एमएस वर्ड 2007 के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक का प्रयोग कैसे करते हैं। फॉन्ट इफेक्ट के अंदर स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग कैसे करेंगे। साथ ही सीखेंगे चेंज केस का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रन कमांड ओपन करेंगे। रन कमांड ओपन करने के लिए विंडोज़ बटन के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद हम उसमें टाइप करते हैं विन वर्ड और ओके प्रेस कर देते हैं। फॉन्ट ब्लॉक के ऑप्शन सीखने के लिए हमें कुछ मैटर चाहिए होगा, तो मैटर लाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले को हम यहाँ लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इज इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद लिखेंगे आर ए एन डी, ब्रैकेट लगाएंगे, कितने पैराग्राफ चाहिए हमें वो संख्या टाइप करेंगे, मुझे 8 पैराग्राफ चाहिए। कितने लाइनों का पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पे 4 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो मैटर अपने आप आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट को बदलने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ के सबसे शुरू में या फिर सबसे आखिर में आप क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको फॉन्ट ब्लॉक में आना है और यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जिस भी फॉन्ट के ऊपर आप माउस का कर्सर लाते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको उसका प्रीव्यू दिखाता है। इन फॉन्ट में से आपको जो भी फॉन्ट लगाना हो उसे आप सिलेक्ट करके फॉन्ट को लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है बोल्ड। किसी भी शब्द को गहरा करने के लिए बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप उस शब्द को या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे जिससे आपको बोल्ड करना हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट ब्लॉक में आकर बी बटन पर प्रेस कर देना है या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ बी प्रेस करते ही आपका जो पैराग्राफ है वो ब्लॉक हो जाता है। यदि आपको बोल्ड ऑप्शन को ऑफ करना हो और शब्दों को पहले जैसा नॉर्मल करना हो तो वापस से आप उन्हें सेलेक्ट करें और फॉन्ट ब्लॉक में जाकर बोल्ड ऑप्शन को डिजेबल कर दीजिए तो आपका जो पैराग्राफ था वो नॉर्मल हो जाएगा। किसी भी शब्द या पैराग्राफ को और शब्दों के हिसाब से तिरछा करने के लिए इटैलिक ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। किसी भी एक तरीके से आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट ब्लॉक में आकर बी बटन के पास में आपको आई बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करते ही आप पैराग्राफ को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक का प्रयोग करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन के साथ आई बटन भी दबाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप वापस से अपने शब्दों को नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और फॉन्ट ब्लॉक में जाकर आई बटन को डिजेबल कर दें या कीबोर्ड से वापस कंट्रोल प्लस आई दबाकर उसे डिजेबल कर सकते हैं। किसी भी पैराग्राफ के नीचे लाइन लगाने को अंडरलाइन करना कहते हैं। पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट ब्लॉक में आकर अंडरलाइन ऑप्शन को एनेबल कर देना है। अंडरलाइन एक्टिवेट करते ही आपके जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया था उसके नीचे कुछ इस तरह से लाइन आ जाती है। यदि आप चाहते हैं कि हम वापस से उसे नॉर्मल करें
तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और अंडरलाइन ऑप्शन को बंद कर देंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ यू बटन को दबाकर भी अंडरलाइन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मैटर होता है उसमें कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो अनुपयोगी होती हैं और उसे हम काटना चाहते हैं, तो उन लाइन को काटने के लिए सबसे पहले आप उस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैं लाइनों को काटना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और फिर हम यहाँ से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप देखेंगे जो भी लाइन हमने सिलेक्ट की थी वह एक लाइन से बीच में कट गई हैं। यदि आप चाहते हैं हम उन लाइनों को वापस से नॉर्मल कर सकते हैं, तो लाइनों को नॉर्मल करने के लिए लाइनों को सिलेक्ट करें और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए, आपकी जो लाइन थी वो नॉर्मल हो जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है सबस्क्रिप्ट। कभी कभी हमें कुछ ऐसा मैटर टाइप करना होता है जिसमें कुछ शब्द और शब्दों के हिसाब से नीचे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साइंस के फॉर्मूलों में जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो उनमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो और शब्दों के हिसाब से थोड़ा सा नीचे लिखे जाते हैं, जैसे कि H2O, CO2। ये फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें शब्दों को नीचे लिखा जाता है। जैसे कि हम करके देख लेते हैं, मैंने H2O टाइप किया है, लेकिन अभी इसे हम H2O नहीं पढ़ेंगे। H2O में जो 2 होता है उसे नीचे करने के लिए आपको सबसे पहले इस 2 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को ऑन कर देना है, तो आप देख सकते हैं आपका जो H2O का 2 था वो और शब्दों के हिसाब से नीचे आ गया है। तो इस तरह से आपको जब साइंस का कोई फॉर्मूला लिखना हो तो आप ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। हम CO2 टाइप करते हैं और इस 2 को नीचे करने के लिए CO2 में 2 को थोड़ा नीचे ले जाने के लिए सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और फिर से आप फॉन्ट ब्लॉक में जाकर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को ऑन कर देंगे, तो हमारा CO2 फॉर्मूला तैयार है। अब वापस इसे आप डिसेबल कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। कभी कभी हमें गणित के फॉर्मूले लिखने होते हैं जिनमें कुछ शब्द जो हैं और शब्दों के हिसाब से थोड़ा ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे कि x2y2। x2 में x नॉर्मल होता है और स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर लिखा जाता है, तो उसे लिखने के लिए हम इस सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम x2 टाइप कर लेते हैं, लेकिन इसे अभी हम x2 नहीं पढ़ेंगे, इसे अभी हम x2 पढ़ेंगे। स्क्वायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस 2 को सिलेक्ट कर लेना है। 2 को सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को ऑन कर देंगे आप, तो आप देख सकते हैं हमारा x2 टाइप हो गया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हम लिखेंगे y2, तो पहले हम y2 टाइप कर लेते हैं। अब हम इस 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को ऑन कर देंगे, तो ये हमारा y2 फॉर्मूला भी तैयार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसका नाम है चेंज केस। चेंज केस का प्रयोग करने के लिए हमें कुछ मैटर की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि ये हमारा मैटर है, इसमें अभी हमने जो टाइप किया हुआ है इसमें कुछ अक्षर स्मॉल भी हैं, कुछ कैपिटल भी हैं,
मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये पूरा जो पैराग्राफ है वो कैपिटल लेटर में करना हो, तो उसके लिए हम चेंज केस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको चेंज केस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और यहाँ से आप यहाँ पे 5 तरह के टाइप दिए हुए हैं। यदि आपको पूरा जो पैराग्राफ है वो कैपिटल करना है तो आपको अपर केस का इस्तेमाल करना है। अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा पैराग्राफ था वो कैपिटल में हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ स्मॉल रहे तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करें, चेंज केस की ऑप्शन के ऊपर आएं और यहाँ से लोअर केस को सिलेक्ट करके आप सारा जो पैराग्राफ था वो हमारा स्मॉल लेटर में हो गया है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका सिर्फ पहला लेटर जो है कैपिटल रहे, बाकी जो है सब स्मॉल रहें, तो पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें, चेंज केस पर आकर आप सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है सेंटेंस केस उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। इस तरह से हम चेंज केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने एमएस वर्ड 2000 में सीखा होम टैब के अंदर फॉन्ट ब्लॉक में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक का प्रयोग कैसे करते हैं, फॉन्ट इफेक्ट में जाकर स्ट्राइक थ्रू सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं और चेंज केस का प्रयोग कैसे किया जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।